मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओएसीजी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, कई टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए देश में नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA लागू हो गया है। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने इसके नियमों को नोटिफाई कर दिया। CAA कानून लागू होने के बाद सरकार के इस फैसले का विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इस कानून का विरोध किया है। असम में इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है। विपक्ष को लगता है कि CAA दरअसल NRC लागू करने का पहला कदम है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का तो मानना है कि CAA के बाद केंद्र सरकार NRC पर बड़ा कदम उठा सकती है। उनका कहना है कि यह मुसलमानों के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि मुसलमान अब कागज निकाल लें। CAA को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओएसीजी एनपीआर भी आएगा, NRC भी आएगा, कई TV के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, BJP के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए उनको अब मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों के पासपोर्ट नहीं है, और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था, 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे, नहीं असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज जो ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू
और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास अख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। सीएए को लेकर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की बात कही है। आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है ये, वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। और आसाम में जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे? बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पे एक्सरसाइज हुआ एनआरसी का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? क्या आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि एनआरसी एनपीआर होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, हमने हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब शमशाद साहब से मेरी बात हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि इसके ऊपर हमको जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि जब तो आप गवर्नमेंट ने कहा था कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए। ओवैसी सीएओ को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं और उन्होंने यह साफ किया है कि लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में यह बड़ा मुद्दा रहेगा और यहाँ की जनता इसके खिलाफ वोट करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।